मध्य प्रदेश में भारतीय किसान संघ गेहूं और धान खरीदी के रेट बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय किसान संघ का सीधे तौर पर कहना है कि सरकार ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की, उनकी फसलों का उचित दाम उन्हें नहीं मिल रहा, जबकि 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं और 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी का वादा तो किया गया था। भारतीय किसान संघ के लोगों ने मंगलवार को प्रदर्शन करते हुए इंदौर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। हमारा प्रदर्शन जो है प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर है। प्रदेश सरकार ने चुनाव के वक्त प्रत्येक मध्य प्रदेश के प्रत्येक किसानों से वादा किया था कि उनका जो गेहूं है वो 2700 रुपए और धान जो है वो 3100 रुपए में तोलेंगे। इस गारंटी पे किसानों ने भरोसा करते हुए और इसको लेकर कहीं ना कहीं केंद्र के जो बड़े नेता है उन्होंने भी अपनी विधान जो उस समय सभाएं हुई है उस सभाओं में अपनी गारंटी देते हुए किसानों से वादा किया था। पर आज वर्तमान में मार्च महीना लग गया, पर आज तक प्रदेश सरकार ने कहीं ना कहीं गेहूं तुलाई का आदेश जारी नहीं किया 2700 रुपए और धान 3100 रुपए। इसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में प्रत्येक जिले में आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले मध्य प्रदेश के किसान कहीं ना कहीं अपने ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अपना वादा याद दिला रहे हैं, जबकि इनके जो पंजन हो रहे हैं गेहूं के किसानों के पंजन हो रहे हैं 2275 रुपए में गेहूं खरीदी के लिए पंजन हो रहे हैं। तो ये वादा खिलाफी कर रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि मोदी जी खुद यहाँ पे चुनावी घोषणा में 2700 रुपए की गेहूं खरीदी की घोषणा कर चुके हैं और मोदी जी कह चुके हैं कि घोषणाएं जो भी हो रही है मध्य प्रदेश में उसकी गारंटी मेरी है। अगर उनकी गारंटी है तो वो पूरी क्यों नहीं हो रही है, हम उनको याद दिलाना चाहते हैं। दूसरा विषय, आपने जो अधिग्रहण वाला विषय लिया उसके हमारी बैठकें चल रही है, उसके आंदोलन हम आगे आगामी रूपरेखा बना के उसका बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। किसान किसी तरह लोकसभा चुनाव में किसी तरह का कोई एक्शन लेगा क्या? नहीं, किसान संघ को चुनाव से वैसे कोई मतलब होता नहीं है, बाकी अगर चुनाव भी है तो हमारी कोई आंदोलन में उसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम आंदोलन को शिथिल करने वाले नहीं है। आंदोलन हमारा जो चरणबद्ध तरीके से होने वाला है वो यथावत रहेगा। भारतीय किसान संघ और कृषि वाले आए थे आज, भारतीय किसान संघ के द्वारा गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदी के संबंध में ज्ञापन दिया है, वो उचित माध्यम से शासन तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही राऊ और मऊ क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के द्वारा भी पट्टे की जमीन के विवाद को लेकर के ज्ञापन दिया है, उसमें भी उचित कार्रवाई का जांच करके कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से।